ब्रजनंदन बांके बिहारी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आदि शिष्य जगत जननी राजरानी परम्बा भगवती ब्रजरानी श्री राधिका जी के चरणों का अनुमोदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत बाबा के चरणों में शब्द रूपी सुमन समर्पित करते हुए पधारे हुए साधु संत ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम। आगंतुक बंधुओं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। भक्तिमय माता बहनों आप सबको प्रणाम। मंचासीन सभी विद्वज्जन सभी कलाकार सबका स्वागत। कथा पांडाल के आसपास जो भी गुप्त प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां निवास करती है सभी का गोविंद की आनंदमय अमर कथा में सादर आमंत्रण प्रणाम। आप सभी महानुभावों को निवेदन कथा में हरि नाम कीर्तन प्रभु नाम की जय जयकार नारायण हरि आपको बोलना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत अमर कथा का आज ये प्रथम सोपान। महाराज परीक्षित के माध्यम से अलक्ष मुद्रा में बैठे महाप्रभु सुखदेव भगवान के द्वारा आप हम सब इस रस का पान कर रहे हैं मानव जीवन को धन्य करने के लिए। ये बड़ी अद्भुत आनंदमय उपलब्धि है कलयुग में। ऐसे कलिकाल में आपको हमको सत्संग मिल रहा है और उसमें भी श्रीमद् भागवत अमर कथा का सत्संग मिलना बड़े भाग्य की बात है। हमें तो ये निर्णय करना चाहिए कि हमारे जैसा कोई बड़भागी दुनिया में आज कोई नहीं है। मौसम आज कौन बड़भागी। बाबा जी कह रहे हैं संत समागम हरि कथा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा अरु लक्ष्मी हो पापी के भी। संत का समागम मिले वो बड़ भाग्य। संत समागम हरि कथा संत से वो ज्ञान जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं आत्म ज्ञान कहते हैं। संसार में भक्ति के साथ भजन के साथ सत्संग के साथ जीने का जो तरीका है वो ज्ञान संत से प्राप्त। तो संत से ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस ज्ञान के द्वारा हम इस संसार में जीकर वो आनंद प्राप्त कर लें जो ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी तपी साधु सन्यासियों को जप से तप से ध्यान से उपासना से जो उपलब्ध होता है वो हमें सहज सत्संग से प्राप्त हो जाए। संत से प्राप्त हो जाए। इसलिए तो महात्मा लोग कहते हैं जीवन की यात्रा में कोई संत चाहिए कोई महापुरुष चाहिए
कोई शौत्री विद्वान चाहिए, पहुंचा हुआ कोई फकीर हमारे जीवन की लाइन में टॉर्च दिखाता हुआ, उजाला बताता हुआ चले और उसके बताए प्रकाश में हम जीवन जिए। ओ महाराज, फिर हम जैसा बड़भागी कौन दुनिया में, हमारा जन्म, हमारा जीवन और हमारा मरण सब सफल हो गए, आनंद आनंद की जड़ी लग गई। पर मिले कोई ऐसा कोई क्षत्रिय महापुरुष मिले, ऐसा कोई ज्ञानी गुरु मिले जिसके प्रकाश में हम जिए। और कोशिश करो, जीवन के काल में जितना समय हमारा निकल गया ना, ये चला जा रहा है और चला भी गया, बहुत चला गया और बहुत कुछ जा रहा है, पता नहीं कितना बचा है उसका हमें बहुत खबर नहीं। अब जितना बचा है ना, उसमें किसी महापुरुष को तलाश कर लो ताकि प्रकाश हो जाए मार्ग में और बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंच जाए, मुकाम पर पहुंच जाए। मीरा कह रही है, मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे जो भव तेरी आती, मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे जो भव तेरी फकीर लगा जो भव तेरिया, इस भव दरिया के उस पार कर दे कोई ऐसा महापुरुष जीवन में चल जाए। तलाश करो, मीरा ने तुरंत प्राप्त कर लिया सदगुरु संसदो। नरसिंह ने अपने महाकाल को गुरु बना लिया बहुत जल्दी और वो प्राप्त कर लिया जो देवताओं को नहीं मिला। परीक्षित ने तुरंत तैयारी कर ली और खोज लिया गंगा के किनारे शुकदेव भगवान को। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, इस बात पर हमें सोचना चाहिए, मेरा इतना समय निकल गया, मुझे अभी तक कोई गुरु नहीं मिला, मेरे जीवन में प्रकाश नहीं आया अभी तक, हमें सोचना पड़ेगा। मिले ओ मिले लगा दे जो भव तेरिया, समागम से मन की पवित्रता। संत मिल जाए वहां तक ठीक नहीं है, मन पवित्र भी होना अनिवार्य है।
सत्संग के लिए, समागम के लिए, हरि कीर्तन के लिए, सेवा के लिए, साधना के लिए, संयम, ये सबके लिए मन की पवित्रता होना और जरूरी है। और मन पवित्र कहां से हो? मन पवित्र कैसे होगा? महापुरुष कह रहे मन पवित्र समागम से हो। संत समागम, संत मिल गए पर अब मन पवित्र करने के लिए समागम करना पड़ेगा। बोलो ना नारायण हरि। समागम का मतलब समझ रहे हैं आप? समागम मतलब डूब जाना, समागम का मतलब है उसी में तर हो जाना, उसी के रंग में पूरा एड़ी से चोटी तक रंग जाना, सिवा उसके और कोई नजर आना ही नहीं। हर हाल, हर समय, हर घड़ी केवल वही और कुछ नहीं। खाना पीना, सोना उठना बैठना, छकना चलना, तमाम सांसारिक लौकिक क्रियाओं में केवल आनंद कंद परमात्मा ही नजर आवे, वही महसूस हो, उसको कहते हैं समागम। डूब जाना, निमग्न हो जाना, तर हो जाना, एक सरसरी आ जाए, एक खुमारी आ जाए, एक भीनी भीनी सी, एक भीना भीना सा नशा आ जाए मन के अंदर में कृष्ण। और मिले कोई ऐसो संत लगा जो भव देरिया समागम से मन की पवित्रता। मन पवित्र चाहिए परमात्मा के क्षेत्र में। मानस में कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है जिसका मन पवित्र निर्मल हो, शुद्ध नहीं विशुद्ध हो, मन में कुछ भी नहीं भरा हो, कुछ नहीं, प्योर मन परमात्मा की ओर झुका हुआ, वो मन जो हरि के नाम से रंगा हुआ, जरा सा भी इधर उधर का कचरा नहीं चलेगा साहब ना। और हमारे मन में गड़बड़ी ये है कि पूरा जगत भरा है, हमारे मन में पूरा संसार भरा है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, सोना चांदी, पति पत्नी, बेटा नाती पंती, यार दोस्त इष्ट मित्र भाई बंधु कुटुंब, अरे सारी दुनिया मेमोरी ठसा ठस, मैं और मेरे में भरा है पूरा मन, तर है भरा है। अब ये विकारात्मक लौकिक सुखानुभूति और वासना से भरा मन परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता, सत्संग तक नहीं पहुंचा सकता, संत तक नहीं पहुंचा सकता, मानव जीवन का उद्धार नहीं करा सकता। मन का पवित्र होना जरूरी है। मन पवित्र कहां होगा?
सत्संग में होगा, समागम में होगा, हरि नाम में, हरि के रंग में डूब जाना समागम कहलाता है। मिल जाना उसी में, निमग्न हो जाना, बूढ़ जाना, डूब जाना, निमग्न हो जाना, मशहूल हो जाना, तर हो जाना, एक खुमारी आ जाए हरि के नाम की, उसको समागम कहा गया। मन पवित्र हो जाए, संत से ज्ञान मिल ही गया, उस ज्ञान के द्वारा उस अनंत ब्रह्मांड के नायक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद के रंग में हम पूरे रंग गए, मन पवित्र हो गया, और हरि कथा से क्या होगा, चरित्र पवित्र हो जाएगा, जीने का आनंद आएगा, फिर जीने का आनंद आएगा, अभी तक जीने का आनंद नहीं आ रहा है। संत समागम हरि कथा अगर जीवन में नहीं मिल रहा है तो जी तो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर डांडा डोरी जी रहा है, मनक भी जी रहा है, पशु में और मनक में भी कहीं पैसा पर फर्क नहीं है। अगर ये तीन उपलब्धि हमारे जीवन में नहीं है तो बोलो ना नारायण। पशु जी रहा है, उसको भी खाना पीना सोना मलमूत्र करना ये सब वासना वगैरह भोग वगैरह सब उसके साथ भी है, उस मनुष्य के साथ भी है जिसके जीवन में संत समागम और हरि कथा नहीं है, उसमें और उसमें पैसा भर भी फर्क नहीं है। तो ये अमर कथा गंगा के किनारे है, वो गंगा कौन सी गंगा, वो गंगा जो भगवान के चरणारविंद से प्राकट्य हुआ जिसका, और महाकाल काशी विश्वनाथ महादेव माथे पे विराजमान करते हैं और उनके माथे से चलकर आती है, तमाम स्थानों को धन्य करती हुई सुखताल क्षेत्र में बड़का पेड़, बड़ पेड़ के नीचे अलग समुद्रा में बैठे सुखदेव भगवान अपने महात्मा महाराज मुमुक्षी परीक्षित को हरी रस का पान करा रहे हैं। ये वो कथा है। बाबा जी इसमें कह रहे हैं, शटरसानी आम्रफलानी इति श्रीमद्भागवती कथा। हरि बोल। ये भागवत कथा है ना, ये आम का फल है, आम का फल है, और आम के रस में छह प्रकार के स्वाद होते हैं, ध्यान देना। आम तो आपने बहुत खाए हैं और लोग खाते भी हैं, पर कभी कभी ये भी तो महसूस करो कि इस रस में स्वाद कितने आ रहे हैं। आम खावे लोग और अपन पूछो कि बोलो कैसा लग रहा है, तो तुरंत जवाब दे देंगे मीठा, बहुत मीठा। हेलो, कितना मीठा, उन्हें कि बहुत मीठा। कोई आम ऐसा है जिसको पूछो तो लोग कह देंगे अरे खट्टा, बिल्कुल खट्टा, किसी काम का नहीं, चुनो खाटो चुनो, बेकार। और ये मीठा, कितना मीठा, निकी बहुत मीठा। बोले बहुत कितना, तो मीठे की व्याख्या हो नहीं सकती नारायण हरि, नहीं हो सकती, शक्कर जैसा। चलो शक्कर जैसा कैसा, बोले गुड़ जैसा, गुड़ जैसा कैसा, अरे बोले शहद जैसा, शहद जैसा कैसा, तो फिर यही आना पड़ेगा उन्हें कि बहुत मीठा। तो ये भागवत कथा है ना, ये आम का फल है, और इस आम के फल में जो रस है ना, इसमें छह प्रकार के स्वाद है, षट रसावानी, छह स्वाद, रस एक है और इसमें स्वाद छह।
कौन कौन से? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सत्य, प्रेम, करुणा, ये छह रस भरे हैं इसमें। और ये छह रस का स्वाद जिसने लिया है वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। बोलो नारायण हरि। फिर यमदूत के बाप की ताकत नहीं कि वो उसकी तरफ नजर उठाकर देख ले जिसने ये रस पिया। और ये बड़ा सुंदर फल है आपके संसार के आम को अगर आप खाओगे ना उसमें दो चीज फेंकना पड़ेगी। हरी बोल। ये जगत का जो आम है ना इसमें आपको दो चीज फेंकना पड़ेगी, कलमी आम, दशहरी आम, तोता परी आम, आपूस। कितने आम है, कई क्वालिटियां हैं आम की या क्वालिटी अलग है? ये तमाम आम जितने हैं दुनिया के इनमें दो चीज फेंकना पड़ेगी आपको। कौन सी दो चीज? एक छिलका और दूसरी गुठली। लेकिन भागवत कथामृत जो आम है इसमें ना छिलका है ना गुठली है, गलतान रस भरा हुआ है। इसमें कुछ भी फेंकने की चीज नहीं है। 18,000 श्लोक है इसमें हैं? और उनको सबको रस आपको प्राप्त करना है, कुछ भी चीज फेंकने की नहीं है। हरी रस का भरपूर भरा है। और ये पाल से पकाया हुआ नहीं है, ख्याल करना। आम को पाल से पकाया जाता है, दबा के पकाया जाता है। पाल लगा के अपनी खेरिया को पाल नहीं लगाऊ, आंबा की खेरिया तोड़ा काची ने फिर खुनिया में पान लगावा ना, दे गोदड़ा पटक, दे गोदड़ा पटक, दे गोदड़ा पटक ने उदाप दे उन्हीं बिल्कुल ने 5-7 दिन बाद पके। ये पाल का पार आम नहीं है। स्वतः गलितम निज शाखायाम, ये तो अपनी शाखा पे से स्वयं अपने आप गल के आया है गलतान होके। साग जो अपने आप आम पकता है वहां से और गिरता है उसको आप हम क्या कहते हैं? साग गलतान, गलितम स्वतः अपने आप गला है। निज शाखा अपनी शाखा से गलितम गलतान होके आया वहां से आम की डाली पे से। तो अच्छा क्यों साहब, अगर आम की डाली से पककर नीचे आया तो फूट गया होगा ना, ऊपर से गिरेगा तो फूटेगा, फूट गया होगा। लेकिन ख्याल करना फूटेगा नहीं। क्यों? ये डाली दर डाली, डाली दर डाली, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली, डाली पे से आया और अंत में आया। सुखदेव जी की डाली और वहां से परीक्षित के माध्यम से आपको हमको सबको उपलब्ध हो। नारायण की डाली से चला ऐसा रस है। अब बढ़िया आराम से पियो। महात्मा कह रहे हैं हरी रस का भरपूर। भरपूर है ये हरी बोल। मरु राम रस प्यालो भरपूर पिए कोई,
घट घट पियो सने सने पियो धीरे धीरे रस लो स्वाद लो और डूबते चले जाओ इस रस में भगवत रस में हरि नाम के रस में इतने डूब जाओ इतने तर हो जाओ कि अहम ब्रह्मास्मि हो जाओ रामी रसी प्यालो भरपूर जिने लागे गुरु कबे तो Para o Ramiro, se calou, vai.
नहीं ये माया कोई अगर गया धर्म में सैक मिलते हैं ये माया कोई सोलापुर की जान वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये रस है भागवत का, पियो आराम से पीना है, सने सने पीना है, गुड गुड कर पीना है, मस्त होकर पीना है, वो कथा है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। तो काया और माया प्रधान नहीं है, मन प्रधान है। अब कथा से हमारे जीवन में होगा क्या, हमारे जीवन में कथा से परिवर्तन क्या आएगा? तो ये कथा हमें भवसागर को ऐसे पार करा देगी सहज में, जैसे कीचड़ में गाय के पांव का निशान बने, खुर का निशान बने, कीचड़ में गाय के पांव का खुर का निशान बने, और उसको लांगने में, उसको उलांगने में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे इस कथा की कृपा से हम भाव सागर को सहज भाव कर जाए महाराज, सहज पार कर जाएंगे। ये बहु कथा मानस में भी कुछ संकेत मिलाए, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। ये जहर को अमृत बना देती है। हमारे अंदर जो जहर भरा है, काम क्रोध मद लोभ मोह का जहर भरा है भीतर। हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम आसक्ति हैं, मदी भी हैं, सब कुछ हमारे अंदर भरा है। उसको मिटा कर ये राम कथा, ये कृष्ण कथा राम कथा अमृत बना देती है, अमृत बना। कथा का महत्व सुनाऊं मैं आपको। प्रथम तो ये सुनाऊं कि ये कथा हमें किसके माध्यम से मिली, वो कौन महापुरुष है, थोड़ा सा उसका परिचय मैं आपको देता हूं। हरि बोल, थोड़ा परिचय। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे हुए महाराज परीक्षित, और इन पर भगवान गोविंद की आनंदमयी कृपा कैसे उपलब्ध हुई है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने के बाद, वीर गति प्राप्त कर लेने के बाद, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने विचार किया, इको कम करो और प्रेशर दो कि अभिमन्यु का बालक पल रहा है उत्तरा के गर्भ में, मैं उसको समाप्त कर दूं, पांडवों का वंश मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और दुर्योधन मुझ पर विशेष प्रसन्न हो। और उस दुष्ट दुराचारी अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक, उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र गया गर्भ में उत्तरा के, उत्तरा घबरा गई, समझ गई कि मेरे बालक को समाप्त करने के लिए किसी दुष्ट ने किसी शक्ति का प्रयोग। प्रेशर कम है, प्रेशर दो आप ताकि ये आवाज
दूर से पकड़ना चाहिए। गोविंद को याद किया, अब दुनिया में उसके अलावा गोविंद के अलावा मेरा दुख दूर कौन करे, जो उतरा भगवान से प्रार्थना करती है। हे गोविंद, हरि बोल। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दूर करो दूर करो दुख मेरा, कुंज बिहारी जी, ए दूर करो तो तेरी शरण में आया शरण तुम्हारी, दूर करो दुख मेरा, कुंज बिहारी दूर करो। मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए, पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए किसी दुराचारी दुष्ट ने किसी शस्त्र का प्रयोग किया है, आप मेरे बालक की रक्षा करो। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, प्रभु जी तुमने सारी उतारी, प्रभु जी तुमने सारी उतारी। सबरी आई सबरी अहिल्या गोत गणिका नारी, पारु आया शरण नारी, दूरी करो दुख मेरा, कुंजी बिहारी दूरी करो दुख मेरा।
अश्वस्थामा ब्राह्मण का बालक है और फिर गुरु का बालक है, परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम धुरंधर, परम वीर ऐसे का बालक और बाल हत्या करने पर तुल गया। देख लो अभिमन्यु के बेटे को मारने पर तुल गया, गर्भ में गर्भ को ही नष्ट करने पर तुल गया, ये प्रतिष्ठा चाहने के लिए कि दुर्योधन मुझे प्रतिष्ठा देगा, अच्छा कहेगा। अपनी प्रतिष्ठा चाहने के लिए आदमी कुछ भी कर देता है, देख लीजिए। प्रार्थना करी और भगवान तुरंत सुन लेते हैं, सुनते हैं भगवान। जब पशु पक्षी की सुन लेते हैं भगवान तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, बराबर सुनेंगे। फिर आज तलक अभी तक सुनी, मीरा की सुनी, एकनाथ की सुनी, तुकाराम की सुनी, कबीर की सुनी, नरसी की सुनी, कितने भक्त हो गए। चलो अपने कलिकाल की बात करूं, मैं तो यहीं की बात करूं, यहाँ इतने लोग हो गए इनकी परमात्मा ने सुनी, हमारी आज तक क्यों नहीं सुनी? कारण हमारे पास सुनाने का तरीका नहीं है। उसको अपनी बात सुनाने का तरीका नहीं है। वो तरीका है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता के 18वें अध्याय में तरीका लिखा है परमात्मा को अपनी बात सुनाने का। सारे संसार से मन को हटाकर जब श्री कृष्णम शरणम मम, जब एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के ही हम हो जाएं और उधर ही गति करें तब भगवान सुने। जदे भगवान सुने, अब अपने तो पारा बांध बांध के माथा पर दर में लिया, जेबा पर मेली, गणा में तो सारी दुनिया की जाड़ लटका मेली। बंटवारा है हमारे भाव में, प्रेम में बंटवारा है हमारे, शुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम कहां हमारा, स्वार्थ का प्रेम हमारा भगवान के प्रति भी, निस्वार्थ कहां है, निष्काम कहां है। हम तो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ मांग नहीं जाते, स्वार्थ का प्रेम लेके जाते। उसको निस्वार्थ प्रेम चाहिए, निष्काम प्रेम चाहिए। और सारे संसार से मन को हटाकर उधर गति करो तो भगवान सुनते हैं, तुरंत सुने। हाल हजूर दुनिया दूर नहीं है। द्रौपदी ने तो भरी सभा में पुकारा भगवान को, भगवान वहीं थे और भगवान तो यह बाटी नाड़ रहा था कि यह हमारी बेन मारे हेला करे, ने मैं यहां खड़ा हूं, ने हूं अभी को चीर बढ़ाऊं, एक ही लाज राखू अभी चीर बढ़ाऊं, मैं यहीं खड़ा हूं, पर यह हमारे बुलावे तो बुलाया तो सही, पर पहले तो उसका मन देख लो दौड़ रहा है ना इधर उधर। पांच पति मेरे बेटे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, फला हैं, सब बैठे हैं, धर्मधारी लोग मेरी रक्षा करेंगे। जब तक भगवान खड़े वहीं, और जब किसी ने उसकी नहीं सुनी और किधर से भी कहीं से भी जब उसको नहीं मिला सहारा, तब कन्हैया को पुकारती है, द्वारिकाधीश दौड़ो मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा। भगवान ने की भाई तेने यो अत्रो और खर्चो बढ़ा दी, ये द्वारिका को नाम क्यों लियो तेने पहला, तू खाली मारे ही बुलाती मेरे, हे गोविंद पधारो या कहनी थी तो मुझा को यही उपयोग मारे, कहीं देर नहीं लगती। अब तेने की द्वारिकाधीश पधारो तो अब यहां से वहां जाऊं ना वहां से फिर जाऊं, यो खर्चो बड़े हमारे। आखिर क्षण मात्र में परमात्मा पधारे, एक क्षण में आए परमात्मा, क्षण मात्र बुलाने वाला चाहिए आते हैं भगवान। हमारे पास तरीका होना चाहिए, जब एक एक गज की पुकार पर भगवान आते हैं
एक हाथी की पुकार पर भगवान, और उसने तो केवल रा बोला, माँ तो बोला ही नहीं सका, रा पुकारा और दौड़ कर आ गए। उसने तो कहा था गरुड़ पे सवार होकर आना, लेकिन उनने गरुड़ से की दादा ए तू गणो धीरे चले, मोड़ा आजे मारे जल्दी है, मोजावत है, मुझे जल्दी जाना है, मेरा भक्त डूब रहा है, इतनी जल्दी आते है परमात्मा बुलाने वाला चाहिए, प्रेशर दो हरी बोल, बड़ा कर रखो आवाज। आते ही भगवान बुलाने वाला चाहिए, मोटी आवाज है ना इसको कम करो, पतली आवाज करो। आते ही भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते ही भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते ही भगवान बुलाने वाला चाहिए, बोलते ही काना बुलाने वाला चाहिए, बोलते ही काना बुलाने वाला चाहिए। भगवान बोलते हैं, घना लोग मान सके गुरु जी ये पत्थर की मूर्ति ने भगवान की कही, भगवान बोले, अरे भगवान बोले कोई बुलावा आड़ो तो छावे, मीरा से बोले अरे गुरु जी यो तो कलजुग है, अणी कलजुग में कहीं भगवान बोले, अरे अणी कलजुग में नरसी से बोलिया, अणी कलजुग में मीरा से बोलिया, अरे अणी कलजुग में घना लोग ऐसा भगत होया है जिनसे परमात्मा रूबरू बात करे, बुलावाड़ो छावे। बुलाने वाला चाहिए, बोलता है कान बुलाने वाला चाहिए, आते ही भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते ही भगवान बुलाने वाला खिलाने वाला चाहिए। घना लोग के गुरुजी, मैं कभी कभी कथा में लोगों को कहता हूँ, भैया जो भोजन हमारे घर में बना हो सात्विक भोजन, उसका भगवान को भोग लगाया करो, गोविंद को अर्पण करो, पहले उसने दिया है ना, उसकी मौज उसको उसने दिया, उसी को अर्पण करो, भोग लगाया करो, फिर भोजन किया करो। घना लोग कह रहे गुरु जी कहीं भोग लगावा, भगवान भी कहीं भोजन करे तो कहीं भूखा मरे, कहीं करे भगवान भोजन नहीं करे,
अरे बोले वो तो भाव के भूखे हैं, तो भाव से ही तो लगाओ ना, भाव ही तो उनको अर्पण करो, भाव ही तो चाहिए उसको। तुम्हारे भोजन, तुम्हारे भाव से तुम्हारा भोजन स्वीकार करे परमात्मा, और अगर भोजन नहीं करे भगवान तो कर्मा के घर का खिचड़ी खाटा खाया भगवान ने। हमारे यहाँ ऐसी कथा महात्माओं ने, कर्मा के घर खिचड़ी खाटा खा गए भगवान। बोलो ना नारायण हरि, खाए ना विदुर के घर शाक खाई भगवान ने, केवल शाक, सुदामा के कच्चे चावल खाए भगवान, मधुमंगल की मुंह की झूठी छाछ भगवान खा रहे हैं। क्या हम मेवा मिष्ठान या सात्विक भोजन हमारे घर में जो भी बना हो, दाल भाजी चटनी रोटी मक्का का टिक्कड़ हो, ज्वार माता का हो भले, लेकिन भाव से अर्पण करो मेरा गोविंद भोजन करे। भोजन कराने वाला शबरी का ऐंठा बोर त्रेता युग में खाया, द्वापर में सुदामा का चावल खाया। बोलो ना नारायण हरि, कलयुग में कर्मा के घर का खिचड़ी खटा खा गए भगवान। कोई भोजन कराने वाला तो चावे, अब तुम तो परवरा ही टाल दो, परवरा ही टाल दो उन्हें भगवान है। भैया भोजन भगवान का ही भोजन करे गुरु जी, ही तो भाव का भूखा, भाव ही चढ़ाया, भाव को ही भोग लगा दो, वही तो नहीं है अपने गणे, और सारी दुनिया का आइटम है अपने गणे बाटा अंगारा सब है, लेकिन भगवान को जो चाहिए वो भाव हमारे पास नहीं है। अगर वो होता ना तो आज दूसरी कोई मीरा और भी होती, अगर वो भाव आज हमारे अंदर होता तो कोई नरसी और भी होता, कोई प्रहलाद होता, कोई सुरा, कोई मीरा, कोई कबीरा, कोई ऐसा महापुरुष भक्त होता अगर वो भाव होता तो। एक एक हुआ बस, उसके बाद सुनने में नहीं आया, एक मीरा के बाद कोई दूसरी मीरा द्वारिका गई नहीं मारा, कोई इसके पच्चीनों पे चली नहीं मारा जिसको गोविंद मिला। ऐलान कर दिया उसने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और ये अंदर की बात थी, नकली बात नहीं। अपन कहानी अपन भगवान ही है, वो सब करेगो जो योगो उन्हीं सबकी फिकर है, ये अपन ऊपरी बात कर रहे हैं, भीतर से नहीं है, या भीतर से गंगा ईमान से भीतर से नहीं है या। और जिसने भीतर से कहा है उसकी परमात्मा सुनता है। भीतर से बोलो, हृदय से बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे संसार से मन को हटा कर बुलाओ, खाते हैं भगवान खिलाने में ना जाए, खाते हैं भगवान खिलाने वाला चाहिए। हरि बोल, ओ नाचता ही गाना नचाने वाला चाहिए, नाचता ही गाना नचाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बोलता ही गाना बुलाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बुलाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान बुलाने वाला चाहिए,
बोलता ही खाना बोलने वाला खाने वाला बुलाने खिलाने बुलाने नचाने वाला चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की हमारे पास ऐसी चुंबकत्व शक्ति होना चाहिए परमात्मा हमारे पल्ले में आ जाए। हम नचावे और काना नाचे, गोपियां नचावे और कन्हैयो नाचे, ब्रज के ब्रजांगनाएं नचा रही गोविंद को, ब्रज बालाएं नचाती है गोविंद। अनंत ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आनंदकम वो गोविंद नाच रहा है ब्रज बालाओं के साथ ब्रज की भूमि पे। अरे नचाने वाला चाहिए, गोपी तो बनो। तुम्हारे लिए लूट जाए भगवान, पर तुम उसके लिए लूटने को राजी तो हो जाओ, तैयार तो हो जाओ। दिनों द्रव्य लुटाए मास द्वादश बीच में, 12 महीने लगे नरसी को, दिन रात धन लुटाया प्रभु के नाम पर, बांट दिया, खैरात कर दिया गरीबों में, दुनिया में, तीर्थों में। 12 महीने लगे दीनों द्रव्य लुटाए मास द्वादश बीच में, 12 महीने लगे उसके लिए जो लुट गया उसको उसके यहां लुटाने परमात्मा आता है। हमारे पास वो शक्ति नहीं है, बोलो ना नारायण। अपन तो कथा की वही कर बोला गदी घरे आवे नी तो दांगा सी बात नहीं है। करंग विचार करंग छोरवा जाओ गयो आगर गयो, छोरवा जावे आगर गयो फिर दांगा विचार करंग, दांगा सी बात थोड़ी है। छोरो घरे आ जावे जिदे फिर मांग बोला आ जावे कट्टो लेके रसीद कट्टो लेके के लो कहीं लिख दा आपकी तरफ से दांगा पर हमारे वह लाड़ी थोड़ी वापस आ जा, बड़ी लाड़ी वो आ जा, उससे सलाह लेनी पड़ेगी, लाड़ी आ जाएगी फिर दांगा। 2 रुपया देवा पे तैयार नहीं अपन, और फिर अपन विचार कराएं कि वो हमारे लिए लुट जाए, उधर झुको तो ये तो परंपरा संसार की है, और या तो परंपरा पहले से है जतरा तम झुको तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा झुके, थोड़ा झुके तो देखो वो पूर्ण झुके। अब अपन तो उन्होंने झुकवा की कोशिश ही नहीं करा नारायण हरी ने, फिर विचार करा भगवान मारे मकान दे दे, जमीन दे दे, पति पत्नी दे दे, बेटा दे दे, नाती पंती दे दे, सुन्ना चांदी बाटा अंगारा दे दे, कहीं बाटा दे दे, कहीं दे दे, कुछ दो तो मिले, कुछ दोगे तो मिलेगा, ये परंपरा की रीति है। तारियो प्रहलाद जिन तात को तमाशो देखियो, तारियो ध्रुव जिन बालापन गमायो है, और तारियो प्रहलाद जिन तात को तमाशो देखियो, तारियो ध्रुव जिन बालापन गमायो है, मीरा को तारी तो हला हल जहर पायो है, परीक्षित को तारियो। अरे कितने लोगों को तारा है परमात्मा ने, पर सेज में नहीं तारा, इन्होंने कुछ दिया। तारियो प्रहलाद जिन तात को तमाशो, प्रहलाद को उद्धार किया भगवान ने, कब उद्धार किया, जब उसने प्रभु के नाम का भरोसा लेकर दुनिया भर के संकट सहन किए, यहां तक कि जहर भी पीना पड़ा तो हरि के भरोसे जहर पी गए, तेरे नाम के भरोसे जहर पी गया जब तारा। ध्रुव ने बालपन से सब कुछ छोड़कर एकांत जीवन में और बैठ जल की धारा में प्रभु का चिंतन किया जब भगवान ने तारा। मीरा को कब तारी, जब जहर पिया तो तारी। तुझे कुछ दिया मैंने, जब उसके बाद तूने उनको तारा। हरिश्चंद्र को तारियो तो सत्य में सिधारियो है, मोर ध्वज को तारियो तो सुत पे चलायो आयो। हरिश्चंद्र को तारा भगवान ने कब, जब वो बिक गया काशी में जाकर, ये दे दे मोर ध्वज को तारियो तो सुत पे चलायो आरोहे। जिन जिन ने भक्ति की उन सबको तार दीनो, तार बो नहीं ये तो बन जुबे पारो, बिना भक्ति से तारो तो तार बो तिहार।
अरे ये तो व्यापार हो गया एक तरह को, जो आपका भजन करे वो जो आप पूर्णिया आप तारो, जो आपको दान दे तुम उसको गम जपम नहीं पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। हमारे पास कुछ नहीं, न भजन न दान न तीर्थ न व्रत न जप तप साधन स्वाध्याय पठन पाठन मनन चिंतन सुमिरन दर्शन कुछ नहीं है मेरे पास में। मैं पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पाप का पहाड़ हूँ। मरते तारो जद जानू, मुझे तारो जब जानू। आपका नाम तारणहार है लेकिन मुझे तार दो, लेकिन वो भी बिना कुछ दिए तारता नहीं है, कुछ देना तो पड़ेगा। और देने में क्या देना है? निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो पावा, मोहि पावा निर्मल मन। मोहि कपट चल छिद्र न पावा, इतनी चीज छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। कितनी छोड़ना पड़ेगी? कर्म छोड़ो, घरवाली मत छोड़ो, बच्चे मत छोड़ो, रुपया पैसा मत छोड़ो, दुकानदारी खेती व्यापार धंधा अपना पराया काम कांकड़ कहीं मत छोड़ो। किने की छोड़ बाकी कांका शास्त्र में लिखा रही के छोड़ो। केवल कुछ आइटम ऐसे हैं जो हमारे अंदर रखे हैं, उनको अलग कर दो और फिर आ जाओ। संतरा खाना हो, खेत में संतरा लाग रहा, या बाढ़ को खेत है ने बाढ़ का खेत के आसपास बागर रेवे, सारी बागरे मत फाड़ो, थोड़ो छिंडो कर लो, एक जरा सा थोड़ी जगह कर लो बागर में और निकल जाओगे बाहर। तो थोड़ी जगह कहां से करो? काम क्रोध मद लोभ और मोह, वैसी पांच कांटा उखाड़ के अलग धर दो और पहुंचो अंदर रस पान करो। ये पांच उखाड़ो के भी पांच को हटा दो। मोहि कपट हो, मोहि कपट चल छिद्र न पावा, निर्मल मन जन सो, निर्मल मन तुम्हारे पास में जो तुम खिलाओ खाए। कर्मा के घर खिचड़ी खाटा खा गया और सुदामा के कच्चे चावल खा गया। विदुर के घर में आलनी बाजी चना की सामू पानी की आलनी बाजी खा गए भगवान। लेकिन ये पांच कांटा एड़ के अलग पटकना पड़े। जदे सांटा को रस मले, जदे गन्ना को रस मले। अब तुम तो आखी बागर का डंडा लाता फरो तो सहार नहीं, डंडा उखड़वाला नहीं, अपना बाप से नहीं उखड़े, अपन से भी नहीं उखड़े। बोलो ना नारायण करी। केवल पांच को हटा दीजिए और ये पांच ऐसा है ये तो गांव में बगड़े
पांच ऐसा बैठ जावे के गा में दुड़ो कर दे दुड़ो मटा के दर्द। पांच कौन? काम क्रोध मद लोभ मोह। ये पांच अगर अनि 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 गाम की बात करूं, अगर इसमें ये पांच बैठ गए तो इसका सत्यानाश। और इसमें सत्य प्रेम करना ज्ञान और भक्ति ये पांच बैठ गया नहीं तो जय जयकार हो गई महाराज। आनंद आनंद की झड़ी लागे फिर अमृत बरसे फिर हरि नाम को रस बरसे अमृत बरसे फिर जीवा को आनंद आवे जी। तो अबे तो जी रहा है जाने जी रहा अपन भी जी रहा है बीपी जी रहा। उनका खेत में गया दो एक लबर कर लिया उनने गोपटाया उनने दो डंडा मारिया। फिर उनका खेत में चली गया वहां दो लबर कर लिया दो गोपटा वहां से खाया। अनि कहीं झीणो के नारायण हरि बोलो ना इसको जीना नहीं कहते। जीना तो सत्संग के साथ हो, जीना संतों के साथ हो, जीना सात्विक बुद्धि के साथ हो, अच्छे लोगों के साथ जीना हो, मन निर्मल हो और फिर जीना हो, उसका नाम है जीना। टेगड़ा कुतरा ही जी रहा है जीवा में, क्या जीना? पावेर विद्य तो देवा भाव चाहिए आते हैं। आज उत्तरा बुला रही है ओ मारा नटवर नाथ पधारो मेरी रक्षा करो मेरे बालक की रक्षा करो। किसी दुष्ट ने बाल हत्या करने के लिए, अब बताइए बाल हत्या जो कर रहा है वो भी कौन है? गुरु का बेटा है, सागर ज्ञान का, सागर का पुत्र है ये देख लीजिए। और भगवान पुत्रा के पुकार पर चले गए, अंगूठे के बराबर रूप बनाया। कितने बड़े बने भगवान? एक अंगूठा के बराबर। चार भुजा धारण करी, अंगूठा के बराबर रूप बनाया, इतने बड़ा शरीर धारण किया, उत्तरा के गर्भ में पधार गए। अपने चक्र सुदर्शन से दुष्ट दुराचारी अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उसको नष्ट कर दिया भगवान ने। गर्भ में, मां के गर्भ में उसको ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर ने भगवान परीक्षित को दर्शन दे रहे हैं। गर्भ में दर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद। दर्शन तो हमें भी हुए हैं गर्भ में, मारे मालूम नहीं, मारे मालूम नहीं, पर मैंने सुनी भजन गावे उनसे मैंने सुनी, संत महात्माओं से मैंने सुनी। मारे मालूम नहीं भगवान मलिया के नहीं मलिया, अब वो भी मलिया होगा गणा नहीं मलिया, पर अपन बारे आके भूलिया। और परीक्षित ने जन्म लिया ना वो नहीं भूला, गर्भ की स्थिति को वो नहीं भूला, हम बारे आया हम भूल गए। जबकि हमने भी, मैंने सुना है कि हमने भी भगवान से इकरार किया है, गर्भ में इकरार किया, या भजन में किए महात्माओं ने, गर्भ में इकरार किया वो भी तू बिसरा गया, ब्याज का तो जिक्र क्या है मूलधन भी। तो इसका मतलब भगवान गर्भ में हमें भी मिला, हमने भी भगवान से प्रार्थना करी हे दीन बंधु भक्त वत्सल अनि नरकवाड़ा से मारे संसार में भेजो दया करो। कितने दिन से तो उल्टा झूल रहा हूँ, सिर नीचे पैर ऊपर, मलमूत्र से सने कमरे में गंदे कीटे खा रहे हैं, यहाँ पड़ा हूँ, हे करुणा निधान हे दया निधान दया करो प्रभु हमारे जगत में भेजो नरक से बाहर करो।
भगवान पूछ रहे हैं, बोलो तुम जा रहे हो जगत में नर्क से दूर, माँ के गर्भ रूपी नर्क से बाहर। बोले हाँ, क्या करोगे वहां जाकर? करोगे क्या? तो जेके गरज पड़े नहीं, वो गढ़ा इकरार नामा पे दस्तखत कर दे है। जेके गरज हो नहीं, वो गणी आंजी आंजी करे। हमने भी अणी, जीव ने भी जो भगवान ने की वही हां कर ली, कर दिया। तेरा भजन करूंगा, तेरा स्मरण करूंगा, श्वास की माला पे निरंतर तेरा नाम जपूंगा, अच्छी कमाई करूंगा। शरीर साधन का धाम है, इससे साधन करके तेरे गुणानुवाद गाऊंगा, अच्छी कमाई करूंगा। दान पुण्य तीर्थ व्रत जप तप साधन स्वाध्याय पठन पाठन मनन चिंतन भजन परिक्रमा ये सब करूंगा प्रभु, मारे यानी नरक से दूर करो। एक बार मार से थोड़ो करके तो देखो, व्यवहार करके तो देखो, बात नहीं पकड़ बदूंगा, पूनम की परवाह नहीं हो बदूंगा, एक बार जरा मेरा विश्वास तो करो। भगवान ने सोची कि जो कह रहे हो सांची कह रही हो, कर लो विश्वास। भेज दिया जगत में, भेज दिया संसार में, और यहां आया और गर्भ में इकरार किया, वो भी तू बिसरा गया, भूल गए। पैसा लिया बात तो गरज इठिया, बात तो आदमी भूले ही है, ये तो परंपरा का नियम है। गरज इठी अपनी क्या नारायण हरि, फिर भी कभी अपने दरवाजे आवे नहीं तो अपने यही पूछा उनसे, क्यों आज कनम आज कनंग पदार्पण हो यो? तो मालूम नहीं, दो महीना पहला रुपया लाए तो भूल जाता है। गर्भ में इकरार किया वो भी तू बिसरा गया, ब्याज का तो जिक्र क्या है, मूलधन भी हार। अब कर ले भजन भगवान का, बरनाकार कुड़की आएगी। जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी, तो बजले हरि का उम्र तेरी कट जाएगी, जप ले हरी का उम्र तेरी उम्र तेरी बलो न चुई चुई चोवे चाम, और सुंदर काया किस काम की, जामुक निकसत नहीं राम। काया प्रधान नहीं, वो काया सुंदर किस काम की, जिस मुख में राम नहीं मारा। एक महीने के बाद महाराज परीक्षित बालक का जन्म हुआ, जन्म हुआ और गर्भ में जिस नारायण का उसने दर्शन किया, अब वो जन्म के बाद जगत में जगत नाथ, जगतनाथ को देखने लगा। परंपरा है यो, ब्रह्म ज्ञान है,
लोग पूछते ना ब्रह्म ज्ञान कैसा होता है गुरुजी, तो ब्रह्म ज्ञान में आपको निवेदन करूं मेरे बहन भाई, जगत के कण कण में, जगत के जीव मात्र में, जलचर थलचर नभचर सब में अपने नारायण को जो देखे उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। बोलो नारायण हरि। सर्व जगत मयम श्री कृष्ण, सारे जगत में गोविंद भरा है, सब में उसी को देखो, पति पत्नी में, बेटे में, भाई में, बंधु में, अपनों में, पराए में, सब में उसको देखने की कोशिश करो, ये ब्रह्म ज्ञान। कहीं बल्टा का माथा पे नहीं जानो पड़े, कहीं की गुफा में नहीं जानो पड़े, कहीं नदी का पानी में नहीं बैठना पड़े, डूबनो नहीं पड़े है, केवल सतगुरु कृपा से ये अभ्यास हो जाना चाहिए। सर्व जगत मयम श्री कृष्ण, रामानस में लिखा है बाबा जी, ईश्वर अंश है, यो है ब्रह्म ज्ञान। जीव अविनाशी ईश्वर अंश, तमाम जीव मात्र में अविनाशी मेरा गोविंद विराजमान है। सुगंध है फूल की, एक एक पकड़ी में सुगंध है, इसी तरह इस जगत के जीव मात्र में मेरा गोविंद व्यापक ब्रह्म है। सब कौन है वो गुलशन जिस गुलशन में गुल तू नहीं, और कौन है वो गुल जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं, तू कहां नहीं है। और सब में जब परमात्मा को देखने का स्वभाव आपका हमारा बन गया, समझ लो ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोलो ना नारायण हरि, पक्का हो गया काम, हम मुक्त हो गए, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त। और जब तक कर्म बंधन में पड़े हैं इसलिए आना जाना चल रहा है, लेफ्ट राइट चल रही है, आना जाना, फिर जन्म फिर मरो, फिर 9 महीने तक गर्भ में रो, उल्टे झूलो, फिर जन्म लो, लून लाओ तो मर्चा नहीं, मर्चा लाओ तो तेल नहीं, रो बाप है, और फिर जाओ मसान में, फिर मरो, फिर जन्मो। क्यों? इसलिए कि हमने इस रंग वाले को देखा ही नहीं, महसूस नहीं किया। हरे रंग वाले हरि को अभी तक हमने हरे रंग में महसूस नहीं किया, जगत में उसको अभी तक हमने देखा ही नहीं।
और जिस दिन ये आंख ये आदत डाल लेगी सबके अंदर परमात्मा को देखने की, उस दिन सब रंग से रंग न्यारा, साईं मुंह पे ऐसा रंग डाला, सब रंग से न्यारा रंग हो जाएगा, फिर तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, आवागमन से मुक्त हो। अनान कोई जाना, परमानेंट ड्यूटी हुई, लाइन अटैच, बोलो ना नारायण। पर खोजे हमारी आंख, और आंख भी कब देखे, परमात्मा जो आंख में बसता है ना वही मन में बसता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आदमी जो देखता है ना वही मन में बसता है। परीक्षित बालक है ना ये, इसने गर्भ में जो देखा हैं वो इसके मन में बस गया। गर्भ में जिन नेत्रों से दर्शन किया इस बालक ने, वो अनंत ब्रह्मांड का नायक चतुर्भुज रूपधारी वो सगुण ब्रह्म नारायण उसके मन में बस गया। जो मन में बस गया वही नजर आवे। गणा लोग के नहीं, गणी भाई बन और मार सके गुरु जी, मार तो आंख में हुई हुई फरे, मारो बालक फरे, मारो भाई फरे, मारे तो खानो ही खानो फरे आंख में, मार तो बापले ही बापले दिखे गुरु जी। एक भाई साहब के मार से गुरु जी मो तो कोई राम जी दिखे न, कोई अपनो दिखे न, कोई पराय दिखे, मैंने कई दिखे उनके बचे ही बचे दिखे, खा रो बापर जम मसाना। रम जाना चाहिए आंख में, जो आंख में रमेगा मन में रमेगा, और मन में रम गया उसकी भक्ति होगी भजन होगा, और उसका भक्ति भजन हुआ तो उसका दर्शन भी होगा। ये क्रम है। नैनन में नंदला बसो मोरे, नैनन में यो आंगनो खाली हो जदई तो दूसरा पावना है बैठा,
अब आंगनों खाली नहीं बड़े, एक तो यो चक्कर पड़ रहे हो, हमारी आंख खाली नहीं है, हमारी आंख में जगत भरा है, मैं और मेरा भरा है, यो मारो यो थारो यो ऊंचो यो नीचो यो खालू यो ओढ़लू यो पेरलू सरकने चल जाऊं वहां से पड़ जाऊं, हमारी आंख में तो यही भरा है, सोना चांदी भरा है, पैसा कोड़ी भरा है, जगत भरा है ठूस ठूस कर, जगत आंख में इतना भरा है कि तुम रही पटक दो अतरी भी जगह नहीं है तो भगवान कहां से बैठे, एक रही पड़े अतरी भी जगह नहीं है, तल पड़वा की जगह नहीं है, पूरा जगत भरा है आंख में, मैं और मेरा भरा है। सुंदरदास जी कह रहे हैं, ये मेरा देश विलायत है गज, ये मेरा मंदिर ये मेरी धाती, मंदिर ये मेरी थाती, ये मम पूत और ये मेरे बांधव, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मम काम निकेली करे नीति, ये मेरे चाकर हैं बहु भांति। अरे सुंदरदास जी कह रहे हैं, इसे छोड़ी गयो जैसे तेल जरो रे बुझी गई बाती, ये आंख में भरा है सब हमारे, पहले आंख को खाली किया जाए, उल्टो कनेक्शन हो रही हो, यो कनेक्शन उल्टो हो रही हो, आंख में परमात्मा बसना चाहिए था, हमने परमात्मा को तो अलग रख दिया और जगत को बसा लिया, उल्टो कनेक्शन। एक सेठबा के ऊंट तो ऊंट, बात याद आ गई बहुत बढ़िया, एक सेठ जी के ऊंट तो, अब ऊंट हो बीमार, जड़ो दम हो बीमार, ऊंट के जड़ सेन नहीं हो गए बीमार हो गए, तो अस्पताल में ले गया वहां घोड़ा डॉक्टर के गण है, पशु डाले में डॉक्टर सामने इलाज करियो, इंजेक्शन वंजेक्शन भी लगाया होगा एक दो, ने दो कैप्सूल दे दिया, विटांडा का कैप्सूल रे मोटा मोटा, ने सेठ जी से कह दी ये कैप्सूल ले जाओ, दो ही कैप्सूल एक दनवार एक सांझे ऊंटे खवाड़ दीजिए, नहीं ये कथा कोई ऊंट ऊंट की नहीं है, हो ये अपनी कथा है, हो अब यो दो कैप्सूल लेके ने उन्हीं ऊंटे लेके घरे आयो, अब एक दनवा देनो थो ने एक सांझे देनो थो, तो दनवा वाली खुराक ऊंटे देवा लागियो, तो ऊंट का गला में दर्द है, वो बेंद दो बेंद भीतरे, ऊंट को मोटो मुंडो ने गड़ो लंबो, तो घणो भीतरे दर्द है, वो बेंद डेढ़ बेंद भीतरे दर्द है, उन्हें कैप्सूल है ऊंट का मुंडा में, पर यो मारो फेरी यो ऊंटे नहीं फिर गड़ करके उन्हीं फिर बचो बाहर फेंदे, यो हाथ पर भीतरे दर्द है पर फिर बचो बाहर फेंक दे या ज्ञान की गोली, गुरु जी आदर भीतरे दर्द है यहां दर्द होके बाद भी नठियारो फिर बाहर फेंगे नीचे नीचे। सदगुरु की वाणी शब्द की गोली कोई बिरले ही जेले है महाराज, हर कोई का बस की बात नहीं जो जेले, एक घंटे हो गया परेशान हो गया तमाम तो अच्छो लग गया होगा, फिर पछ गयो डॉक्टर साहब ने, अरे डॉक्टर साहब एक घंटा से परेशान हो रही हो, नहीं ऊंट गोली नहीं खा,
हाथ भर भीतर दर्द हूं फिर भी बाहर फेंक दे कहो कसा खिलाऊ। डॉक्टर ने की तेने उतौल गणी करी मैंने गोलियां दी तो मार से पूछनी थी भाई कसा देनी कहीं करनी समझ नहीं पड़ेगी। डॉक्टर समझावे अपन समझो वो तो पर्चो बना दे फिर मेडिकल से दवा लाओ दवा ला के फिर डॉक्टर गणे जाओ फिर वो समझावे या धनवा खाजो या दपोरे खाजो या सांझे रोजो उन्हीं हिसाब से फिर अपन दवा खा। और वो भी समझावे जो बात समझनी पड़े। एक बात यह भी घना लोग ऐसा भी है दुनिया में डॉक्टर समझावे कहीं न वो समझे कहीं। हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब हैं थे उनके यहाँ एक आदमी देहात का बिल्कुल अनपढ़ मेरे जैसा वो गया उनने उसकी बीमारी देख चौक के ने पर्चो बना दियो दवा लिख दी पर्चा और की के आयुर्वेदिक दवा थी के ये लिख दी मैंने दवाई में अनिये बाल के तीन खुराक कर लीजिए और शेत में मला के खा लीजिए ले चौथो मोटो कागज तो ये मैं देशी दवा तीन खुराक कर जे बाल के हो उनने की वो दवा ले बनी गयो मार साहब उन्हीं कागज है बाल के तीन खुराक कर लीन शेत में खा गयो तीन दिन आ रेट हो गयो नारा ये कागज खा गयो गुणों भी बाल के तीन खुराक कर शेत में लपेट सूद गयो समझता है समझना पड़े। डॉक्टर समझावे अपन समझो सतगुरु समझावे कोई नाड़िया से पावे कहीं गोड़ के समझना हमें पड़े। हमारी बुद्धि ऐसी हो जो हम झेलें झेला उस चीज को हम ग्रहण करें झेलना मने ग्रहण कर लेना। तेने उतावल घनी करी एक काम कर ने कहीं अनि कैप्सूले कपड़ छण बांट बारीक कर हो फिर अतरी मोटी नली ले हाथ भर की ठीक उनी नली में अनि कैप्सूल का पाउडर है भर ने नली को आई को मुंडो अपना मुंडा में ले और उनन को मुंडो ऊंट का मुंडा में दे फिर आई से लगा फूंक तो गोली को पाउडर उसका पेट में चल जाओ सेज तो तरकीब है नवरो खोटी हो रही है तन्मा यानी निर्मल मन कर ले ने लगा फूंक जगत को काम वासना को फूंक मार दे राग द्वेष को फूंक मार दे झूठे जगत की संगति को आसक्ति को भोग को वासना को फूंक मार दे पहले पार हो जाओ। गयो गरे ने पट्टी पे उन कैप्सूले कपड़ छन बांटियो एक नली लायो अतरिक मोटियो में नली में पटकियो डॉक्टर ने की थी पहला अपना मुंडा में लीजिए उन्हें पहला दे दी ऊंट का मुंडा में पहला ऊंट का मुंडा में दे दी फिर अपना मुंडा में ली ने मुंडा में ली ने फूंक मारवा लागियो अतरे तो ऊंट ने फूंक मार दी ऊंट ने फूंक अतरा में तो जो गोली जानी थी उनंग आगी अनंग शेठ जी तो डोल हो गया ये उल्टा कनेक्शन नैनन में नंदलाल हमारी आंख में परमात्मा बसना चाहिए था परमात्मा नहीं बच पाया जगत खाना पीना उठना बैठना जगना यही हमारे साथ चल रहा है बस और कुछ वो सारे जगत में उसको देखने लगा जिसका गर्भ में दर्शन किया था इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित और यही राजा परीक्षित हुए फिर बाद में पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद हस्तिनापुर का राजा परीक्षित हुआ। यही महात्मा परीक्षित एक बार घोड़े पर सवार होकर और अपने राज्य की व्यवस्था देखने गए और मार्ग में एक अद्भुत दृश्य देखा एक चांडाल काला कलूटा बहुत बड़ा आदमी विकराल कुरूप डरावना एक गाय और एक बैल को प्रताड़ित कर रहा था
और परीक्षित तलवार ले मारने दौड़े। जब ये काला कलूटा आदमी परीक्षित के चरणों में गिरा, त्राईमाम शरणागतम, रक्षा करो रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। बोले ऐसे की रक्षा करूंगा मैं जो गाय को दुख दे रहा है और बैल को, बैल का तो तीन पांव तोड़ दिया बापड़ो, बैल एक पांव पे खड़ा थर थर कांप रहा है, गाय दुबली पतली हड्डी हड्डी रह गई, कोड़े मार मार के कांप रही है, तुझे कैसे क्षमा कर सकता हूं। पहले तो ये बता तू है कौन। का महाराज सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर गया, अब मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा तू कलयुग, तेरे बारे में मैंने बहुत सुना, ठहर अभी तुझे बाद में देखूंगा, पहले इनको पूछने दे ये दोनों कौन है। गाय को पूछा, अरे मैया ए गौ माता, तू इस दुष्ट दुराचारी आतंकी के कोड़े खा रही है, तू है कौन मां। जब गाय आंसुओं की धारा बह रही है और कह रही है गौ माता मैं धरती हूं महाराज, मैं वसुंधरा, मैं वसुंधरा हूं, धरती हूं, भारत भूमि की धरती है। और ए बस आप कौन है, आपके तीन पांव तोड़ दिए इस दुष्ट ने, आप कौन है। कहना समझ लो महाराज, जो सब संकट सहन करने के बाद भी चुप बैठा रहे उसको धर्म कहते हैं। बहुत आक्षेप आने के बाद, बहुत बदनामी होने के बाद, बहुत आक्षेप, बहुत बदनामी, बहुत कलंक लगा देते हैं लोग धर्म पर, उसके बाद भी धर्म मौन रहता है, और जो मौन रहे और सब कुछ सहे उसको धर्म कहते हैं। मैं धर्म हूं महाराज, मौन है फिर भी, जिसको जिधर चाहे खींच रहा है धर्म को, जैसे चाहे वैसे यूज कर रहा है धर्म को अपना मतलब हल करने के लिए, फिर भी मौन है धर्म। धर्म के चार पांव, सत्य प्रेम करुणा और दान। सत्य पांव तोड़ दिया, प्रेम रहा नहीं कलयुग में, कलयुग आया और सत्य चला गया, धनवा से शांत तक फांके ही फांके, एक आध बात भले ही कहीं की सांची के, तो प्रेम रहा नहीं, प्रेम अपना अपना में, स्वार्थ का प्रेम, स्वार्थ का बेवार, स्वार्थ रहे तो ईश्वर दिखे, स्वार्थ रहे तो ईश्वर दी, दिखे नहीं तो हे पाषाण जगत में स्वार्थ का। प्रेम वही करे आदमी जहां स्वार्थ हो, स्वार्थ हो तो राखिता को कर ले, स्वार्थ हो तो रिश्तों कर ले, बेटी दे दे बेटी ले ले, स्वार्थ हो तो प्रेम भी नहीं रहा। और तीसरा पाव है दया करुणा, दया तो मुंह नजर ही नहीं आ रही है, दिखे ही नहीं, दया होती अगर संसार में तो आज गाय रोड पे टक्कर नहीं खाती, दर दर की ठोकर गाय नहीं खाती, आज अगर दया होती तो। दया कहां, अपना अपना में दया है, कहां दिखे दया, थोड़ी थोड़ी जगह में दिख रही, अपना अपना में दया है सार्वभौम, अपना पड़ोसी भूखे मर रहा है, मरने तो जाए बाहर में, अपनों पेट पर हो छानो, दया रही नहीं, केवल दान के प्रताप पर पांव पर धर्म खड़ा। दान तो करे लोग, भले नाम के वास्ते करे पर दान तो करे। राजा परीक्षित ने भले नाम वास्ते कर दे, उन्हें मार नाम को बाटो लगा दो, हरिद्वार में जाके वृंदावन में जाके उन्हीं धर्मशाला पे बाटो लगाओ, फलाना सिंह जी ने तोप छोड़ी सा भी आई कमरों बनवाड़ी हुई, हेलो या तोप छोड़ी, नाम के वास्ते करे भले पर दान लोग करे ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई मजबूरी में भी करे लोग, उन्होंने साहब पटेल साहब आया ने
बड़ा बड़ा लोग आया ना अभी अपना घर आया, गुरु जी आया, पटेल भाई आया, फलाना आया, अपनी दांगा तो अच्छो नहीं लागे अपना घर। समझदार आदमी तो मर्यादा राखे, निवदान करे, प्रदान तो करे। कई मारे शरीर का नाम होने के बाद नाम बोल जो माइक में बोलो साहब उनको उनने तोप छोड़ी है, बोलो नारायण हरि, तो दान के पांव पे धर्म खड़ा। ये कलयुग ने अनुनय विनय करी के मारे मारो मत, यह परंपरा है विधि का विधान, मारे ज्यादा नहीं दो, थोड़ी सी जगह दे दो, हूं टाइम पास कर लूंगा। तीन जगह दे दी, जुआ में, शराब में, वैश्या के यहां, यानी कुछ इसमें इससे जो लगे हुए जितने भी कालम हैं वहां कलयुग का निवास दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज अब मेरे गुण और अवगुण सुन लो, परीक्षित की कहीं सुन लो, मैंने सुनी कहीं सुनी, हंस चुगेगा दाना तिन का, कौवा मोती स्वभाव, ये तेरा चरित्र है कलयुग। सुन मैंने सुन रखा रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आए, हम सुच गेगा ताना तिनका कौवा। के संग में बड़ी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की कलयुग का प्रभाव नाचेगी घर की। कैसा कन्या दान पिताही, कैसा कन्या दान पिताही, बेटी का धन खाएगा, सुझेगा दाना खाएगा, कौवा मोती।
कलयुग से मुलाकात हुई और बाद में समीक महात्मा मार्ग में तप कर रहे थे, अचानक उनके आश्रम में गए और कलयुग का प्रभाव होने के कारण महात्मा का अभद्र व्यवहार हुआ, मरा सर्प गले में डाला, श्रृंगी के आने के बाद श्रापित हो गए और वही महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे अलक्ष मद्रा में बैठे सुखदेव भगवान की शरण में हैं और अमर कथा का पान कर रहे हैं। और महात्म तो क्या, मैं आपको फिर भी कोशिश करूंगा कल श्रीमद भागवत कथा के महात्म के साथ कथा को आगे बढ़ाऊंगा। और आइए आरती का समय, यजमान आ जाए सामने, आरती की पूर्ण तैयारी है, सब लोग खड़े हो जाएं आरती। हेलो, सदा वशंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमः।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनौ शिवहरी मंगलम भगवान शंभु मंगलम रसवद्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनौ शिवहरी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणमे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिशमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा हरि ओम महाजले निशितले करणं देवा दत्त्वा आत्मरक्षार्थे प्राणरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा अर्अर्तिक्यं समर्पयामि हरि ओम महा ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यां च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम जनकनंदने च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम रसभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात् ओम भुवनवाज्राय विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद् भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरः ग्रहाणां परमेश्वरे अत मंत्र पुष्पाञ्जलि सर्वं अर्पण करो और करो देव स्वीकार कृपा दृष्टि अवलोकियो श्री भागवत भगवान अत मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ज्ञानी का निश पापानि जन्मांतरतानि दक्षिणायं ते नमो नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्ति